Hello everyone, welcome to Guru Mantra Academy. I am Arpit Chaturvedi and I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. So, हम लोग गेट बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग के सामने आ चुका है, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स टाइप्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ आपके गेट एग्जामिनेशन के लिए नहीं बल्कि और जितने भी एग्जामिनेशन आप लाइफ साइंसेज के देते हैं उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है. मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि यार टेक्निक्स हैं नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, ये है वो है, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से डील किया जा सकता है और इसके बारे में बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है, ठीक है. तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है क्रोमेटोग्राफी में और क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले तो अगर हम शुरू करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी क्या है और किस लिए यूज़ करी जा रही है. कैसे करते हैं वो तो उसके बाद में पता चलेगा. तो क्रोमेटोग्राफी एक बायोफिजिकल टेक्निक है, ठीक है, एक बायोफिजिकल टेक्निक है. इसको यूज़ करते हैं हम किस लिए, इसको हम यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और प्यूरीफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, प्यूरीफाई करने के लिए कंपोनेंट्स को जो कि एक मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं उनकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए. बेसिकली आपको यहाँ पे एक मिक्सचर दे दिया जाएगा, ठीक है, एक बीकर में या किसी में भी, एक सॉल्यूशन मिक्सचर है. इस सॉल्यूशन मिक्सचर में ढेर सारे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे सॉल्यूट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग टाइप्स के सॉल्यूट्स होंगे. होगा क्या, इस मिक्सचर में से आपको अपने जो टारगेटेड सॉल्यूट्स हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, क्या ये है या नहीं, उसको प्यूरीफाई करना है कि ये है या नहीं, उसको बाकी सभी मॉलिक्यूल से, बाकी सभी जो सॉल्यूट्स हैं उससे अलग करना है, यानी कि सेपरेट करना है. तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको क्रोमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, इन सभी चीज़ों में आपकी क्रोमेटोग्राफी जो है मदद करने वाली है. तो क्रोमेटोग्राफी बायोफिजिकल टेक्निक है जो कि हमको ये सारी चीज़ें करने में मदद करती है. तो रशियन साइंटिस्ट थे मिखाइल स्वेट, जिन्होंने जो क्रोमेटोग्राफी टर्म है उसको क्वाइन किया था, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी टर्म जो है इन्होंने दिया था. लेकिन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो दूसरे साइंटिस्ट जेम्स एंड मार्टिन ने 1952 में दी थी, ठीक है. ये मतलब हम ये कह लें कि जो फर्स्ट एनालिटिकल यूज़ करा था क्रोमेटोग्राफी का, उसके बाद ये धीरे 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 इवॉल्व होती गई और सारी चीज़ें बनाई जाने लगीं. लेकिन बाद में जो टर्म आया क्रोमेटोग्राफी वो आया अपने पास, मतलब जो अपने पास टर्म था क्रोमेटोग्राफी 1906 में वो आ चुका था कि इसके हम क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं. तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, क्रोमेटोग्राफी आप बहुत सारी तरीके से कर सकते हो. ये सिर्फ एक टर्म है, सिर्फ एक टेक्निक है, या हम ये कह लें, आप ये कहो कि ये टर्म आ गया 1906 में, फिर जो एनालिटिकल यूज आया वो 1952 में आया, तो ऐसा क्यों, इतना गैप क्यों. तो क्रोमेटोग्राफी के इतने ज़्यादा वाइड एप्लीकेशंस हैं, इतने ज़्यादा टाइप की क्रोमेटोग्राफी हम कर सकते हैं, तो इसीलिए हमको ये चीज़ देखने में मिलती है. मतलब आप एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साइज़ के बेसिस पे अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी के बेसिस पे अलग कर सकते हो, उसके चार्ज के बेसिस पे अलग कर सकते हो, और भी कई सारी प्रॉपर्टी हैं जिसके बेसिस पे आप उसको अलग कर सकते हो बाकी के मॉलिक्यूल से. तो जितने टाइप से हम अलग करते हैं, जितनी चीज़ हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं उतने टाइप की क्रोमेटोग्राफी हमारे पास हो जाती, ठीक है. तो एक बहुत ही पावरफुल सेपरेशन टूल है जो हमको देखने को मिलता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है. देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट सा एक प्रिंसिपल है इसके पीछे और वो चीज़ हर जगह पूछी जाती है आपसे. मतलब प्रिंसिपल अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आप चाहे कोई भी तरीके की क्रोमेटोग्राफी आ जाए आप सारी कर लोगे, ठीक है. लेकिन वो प्रिंसिपल सब में सेम रहेगा, क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल कभी नहीं बदलने वाला. इस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या बताता है, पहले ध्यान दीजिएगा उसके बाद पढ़िएगा. देखिए हो कह रहा है कि एक मिक्सचर है, ठीक, इस मिक्सचर में ढेर सारे अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स हैं, अच्छी बात है. अब इन कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, हम दो फेज से गुजारते हैं. मतलब क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को हम दो फेज से गुजारते हैं.
वो दो फेज कौन से होते हैं? वो दो फेज होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज और एक होता है आपका मोबाइल फेज। ठीक है, एक होता है आपका स्टेशनरी फेज और एक होता है मोबाइल फेज। अब ये सभी मिक्सचर में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो हमारे सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं, ये स्टेशनरी फेज में अलग तरीके से मूव करते हैं, मोबाइल फेज में अलग तरीके से मतलब मिलते हैं, हम ये कह रहे हैं। और कभी भी मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज आपस में मतलब मिलते नहीं है। ये नहीं कि ये आपस में सॉल्यूशन बना लिया इन्होंने, ये मिल गया। ठीक है, ये दोनों इमिसिबल होते हैं। तो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों में जिस तरीके का उसका सॉल्यूशन बनेगा, जिस तरीके से मूवमेंट होगा, जिस तरीके से वो रहेंगे, कौन कंपाउंड सॉल्यूट जो मिक्सचर में थे वो जिस तरीके से मोबाइल फेज में रहेंगे, जिस तरीके से स्टेशनरी फेज में रहेंगे, तो यही दोनों का बिहेवियर स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में क्या करता है, इनको बाकी से अलग करने के योग्य बनाता है। ठीक है, किस तरीके से एक सॉल्यूट स्टेशनरी फेज में बिहेव कर रहा है और किस तरीके से एक सॉल्यूट मोबाइल फेज में बिहेव कर रहा है, ये चीज इसको बाकियों से अलग बनाएगी, क्योंकि सभी सॉल्यूट एक जैसा बिहेवियर नहीं शो करेंगे। अब स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है लिक्विड सॉलिड हो सकता है लिक्विड हमको पार्टीशन लिक्विड सॉलिड देखने को मिले, हो सकता है एफिनिटी के बेसिस पे हम कर रहे हो सकता है हमको गैस और लिक्विड मिल रहा हो। तो हम किसी भी तरीके का अपने हिसाब से जो स्टेशनरी और मोबाइल फेज वो रख सकते हैं, बस ये दोनों फेजेस आपस में मिलने नहीं चाहिए, ये दोनों इमिसिबल होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो है प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी के पीछे का। अब होगा क्या, आपका जो मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें ढेर सारे कंपाउंड्स है, ढेर सारे आपको मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, स्टेशनरी फेज में ये अलग अलग बिहेव करेंगे, मोबाइल फेज में ये दूसरे तरीके से बिहेव करेंगे, स्टेशनरी फेज में अलग स्पीड पे चलेंगे, मोबाइल फेज में अलग स्पीड पे चलेंगे। तो होगा क्या, इसी तरीके के सेपरेशन से, मतलब इसी मोबाइल और स्टेशनरी फेज की अलग अलग बिहेवियर से हम इन सभी मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और वही तो हमें करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट, एक तो स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज और एक हमारा मिक्सचर या एलिमेंट। ठीक है, एक हमारा मिक्सचर या एलिमेंट, तो एलिमेंट को हम अपने कॉलम में एंटर करेंगे, ठीक है, जिसपे हमें क्रोमेटोग्राफी करनी है, वहाँ पे उस कॉलम में स्टेशनरी फेज होगी जो रुकी रहेगी, स्टेशनरी मतलब क्या है, स्टेबल, रुकी रहे, चले ना, और एक मोबाइल फेज होगी जो कि लगातार चलती रहेगी नीचे की साइड, ठीक है, एल्यूट होती रहेगी। और उसी मोबाइल फेज के में सॉल्युबल फॉर्म में क्या होगा, हमारे जो एलिमेंट होंगे, जो हमारे टारगेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, वो नीचे से ऐसे पास आउट होते रहेंगे, जिसको हम कहेंगे एल्यूएट। ठीक है, तो उसमें हमको मिलते रहेंगे। तो जिस हिसाब का या हम कह रहे हैं जिस तरीके से इन मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर होगा मोबाइल फेज के साथ और स्टेशनरी फेज के साथ, वही चीज़ इनको एक दूसरे से अलग करेगी इस कॉलम के अंदर। ठीक है, इस कॉलम के अंदर वही चीज़ इनको एक दूसरे से अलग करेगी, जिसमें से अगर हम टाइप्स देखना चाहें, ये टाइप्स किसके बेसिस पे हैं, ये टाइप्स इसी बेसिस पे हैं कि आप कौन सी चीज़ को यूज़ कर रहे हो क्रोमेटोग्राफी करने के लिए, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो आप क्रोमेटोग्राफी करने के लिए। आप साइज़ यूज़ कर रहे हो, आप शेप यूज़ कर रहे हो, आप टोटल चार्ज यूज़ कर रहे हो, आप हाइड्रोफोबिसिटी हाइड्रोफिलिसिटी यूज़ कर रहे हो, आप चार्ज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप बाइंडिंग कैपेसिटी यानी कि एफिनिटी यूज़ कर रहे हो स्टेशनरी फेज के साथ, जिस भी तरीके की आप प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे उस टाइप की क्रोमेटोग्राफी हमारे पास निकल के आ जाएगी। अगर आप साइज एंड शेप यूज़ कर रहे हो तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, चार्ज यूज़ कर रहे हो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफोबिसिटी यूज़ कर रहे हो तो हाइड्रोफोबिक क्रोमेटोग्राफी, बाइंडिंग कैपेसिटी यूज़ कर रहे हो तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरीके से अलग अलग क्रोमेटोग्राफी हमारे सामने निकल के आ जाएंगी। ठीक है, और इसी आधार पर हमारे पास अलग अलग जो क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स हैं वो निकलते हैं, आयन एक्सचेंज, सरफेस एब्जॉर्प्शन, पार्टीशन, साइज एक्सक्लूजन, सभी तरीके के। ठीक है, जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से भी और हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से भी, उस पर हम लोग एक एक करके फोकस करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या हम कह लें सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो है हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है क्या, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम डेवलप किया जा रहा है मॉलिकुलर बीड से, हम वो कॉलम पूरा डेवलप करते हैं, मतलब क्रोमेटोग्राफी अलग अलग चीज़ों पे करी जा सकती है, अलग अलग
सरफेसेस पे करी जा सकती है। मत कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम पेपर, मतलब हमारी जो क्रोमेटोग्राफी है उसको हम पेपर पे कर सकते हैं। जब पेपर पे करेंगे तो हम उसको कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। जब ग्लास पे सिलिका की लेयर बना के करेंगे पतली से, हम उसे कहेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जब हम इसको एक कॉलम बना के करेंगे, कॉलम बनाने का क्या है, एक लंबा सा ऐसे जैसे आपकी ब्यूरेट होती है, उस ब्यूरेट में भी हम लोग कर सकते हैं। उस ब्यूरेट में अगर आप पूरी मॉलिकुलर बीड्स इस तरीके से फिल कर दो, ठीक है, तो पूरा एक कॉलम डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से जब कॉलम डेवलप करके हम लोग क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा टाइप्स जो हैं वो यहीं पर अप्लाई करे जाते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। तो हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एकदम सेम प्रिंसिपल लगेगा, प्रिंसिपल एकदम सेम रहेगा, प्रिंसिपल नहीं चेंज होने वाला। यहाँ पे है क्या, ये एक टेक्निक है जो कि सबस्ट्रेट को, सब्सटेंसेस को अलग अलग कर रही है उनके तरह तरह के प्रॉपर्टीज को यूज़ करते हुए, साइज के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे, मास के बेसिस पे, आपके एफिनिटी के बेसिस पे, इन सभी चीज़ों के बेसिस पे उनको एक दूसरे से अलग कर रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेशनरी फेज की, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेशनरी फेज की, तो स्टेशनरी फेज जो है वो जेल की बनी हुई होती है, मॉलिकुलर बीड्स की बनी हुई होती है। अब ये जेल जो है आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अपने स्टेशनरी फेज के लिए, ठीक है, आप सेफेटेक्स यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी जेल मॉलिकुलर बीड्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। ये स्टेशनरी फेज मूव नहीं करता। उसके बाद जो आपका मोबाइल फेज है, जो आपका मोबाइल फेज है, ये वो सॉल्वेंट होता है जिसमें डिजोल्व करके रखा होता है अपने अपने जो मिक्सचर है, जो कंपाउंड है उसको, ठीक है, तो उसको हमने मिक्स करके रखा हो मोबाइल फेज के साथ। और स्टेशनरी फेज हमारा जेल की फॉर्म में पूरे कॉलम में प्रेजेंट है ऊपर से नीचे तक। तो ये स्टेशनरी फेज तो मूव करेगा नहीं, मोबाइल फेज इस स्टेशनरी फेज के थ्रू होके पास होगा, ठीक है, मोबाइल फेज इस स्टेशनरी फेज के थ्रू पास होगा। तो ये डेवलप करी थी अमेरिकन केमिस्ट डीटी डे ने इन 1900, ओके, उसके बाद यूज़ करी गई अलग 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 साइंटिस्ट के द्वारा। और फिर जो प्लांट पिगमेंट्स थे उसकी स्टडी भी इसके द्वारा की गई। प्लांट पिगमेंट की स्टडी कॉलम क्रोमेटोग्राफी करने से पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी पे भी करी गई थी, लेकिन इस पे फिर उसके बाद अच्छे से उसको अलग किया गया। तो इसको अगर देखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके का हमारा कॉलम डेवलप होता है, ठीक है, इसको हम ब्यूरेट मान रहे हैं, ये हमारे पास ब्यूरेट है। इसमें हमने पूरे में अपने स्टेशनरी फेज या हम ये कह लें मॉलिकुलर बीड्स इस तरीके से हमने यहाँ पे भर रखी है। और ये मॉलिकुलर बीड जैसा इसका नाम है जेल, आप सभी लोगों ने देखा है, अगर आपने कभी इलेक्ट्रोफोरेसिस रन की हो तो जैसा जेल वहाँ पे बनता है वैसे ही जेल ऑलमोस्ट इसके अंदर भी इस तरीके से फिलअप होता है, ठीक है। ये जेल है स्टेशनरी फेज, ये मूव नहीं करता। यहाँ पे हम सैंपल लोड करते हैं, यहाँ पे हम सैंपल लोड करते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना मोबाइल फेज या हम ये कह लें जो हमको यहाँ पे सॉल्वेंट डालना है उस सॉल्वेंट को हम डालते हैं, बफर डालना है बफर को हम डालते हैं, ठीक है, और फिर उस बफर की रनिंग शुरू करते हैं किस तरीके से, यहाँ से टैप को ओपन करके। जब ये टैप को ओपन करेंगे तो ये लोडेड सैंपल इस मोबाइल फेज या इस बफर या इस वाटर के साथ नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस स्टेशनरी फेज से अलग अलग प्रॉपर्टी के थ्रू जैसी जिस मॉलिक्यूल की सैंपल में एफिनिटी होगी, जैसा उसका बिहेवियर होगा, उस हिसाब से वो अलग अलग टाइम पे नीचे यहाँ से इल्यूट होगा। मतलब अगर सैंपल में कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, मान लीजिए अगर सैंपल में तीन मॉलिक्यूल हैं ए बी एंड सी, जिसमें से ए की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है सैंपल के प्रति, बी की उससे कम है और सी की उससे कम है, तो सबसे पहले बाहर निकलेगा सी, फिर निकलेगा बी और फिर निकलेगा ए, ठीक है। तो इस अलग अलग टाइम पे इन तीनों के निकलने से आप इन तीनों को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करेगा अपना जो स्टेशनरी फेज है उसके लिए, वो सबसे बाद में बाहर निकलेगा। जब सबसे बाद में बाहर निकलेगा इस तरीके का बैंड बना के, तो उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो आप लेके चले थे एक मिक्सचर जहाँ पे आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग कंपाउंड्स देखने को मिल रहे थे, और जब आपने इसको इल्यूट किया है तो आपके पास तीन या चार जितने भी आपके पास मिक्सचर में कंपाउंड्स थे उन सबको आपने अलग 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 मतलब अलग अलग जगह उसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। तो वो अब एक साथ नहीं है। तो ये चीज़ हम देखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी में, जो हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू किया। अब इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज के हिसाब से या स्टेशनरी फेज और जो हमारा
सैंपल है, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं जो कंपाउंड्स हैं, उसको आप किस तरीके से उन दोनों का आपस में बिहेवियर चेंज करके इस इल्यूशन को अपने हिसाब से बदल सकते हो या इस इल्यूशन के क्राइटेरिया को बदल सकते हो, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वहाँ पे जो क्राइटेरिया है, अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें टाइप्स में कौन कौन से हैं, तो हमारे पास है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का दूसरा नाम है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, है ना। और यहाँ से ऑलमोस्ट हर साल आपको एक ना एक सवाल गेट में देखने को मिल ही जाता है, और इसमें से बहुत ही आसान चीज पूछी जाती है जो कि आपको अभी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जैसा इसका नाम है, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी या साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, साइज के बेसिस पे हम मेजर यहाँ पे जो सेपरेशन है वो कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जेल की परमिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जेल किसको अलाउ कर रहा है कि हाँ आप आगे मूव कर जाओ, या जेल किसको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप आगे मूव करो। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो हमें एक कॉलम बना लेना है। कॉलम बनाएंगे जिसमें हम जो स्टेशनरी फेज है वो अपने जो मतलब मैट्रिक्स है वो पोरस मैट्रिक्स को किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। हम पॉलीस्टाइरीन यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीस्टाइरीन, हम क्रॉस लिंक डेक्सट्रान यूज़ कर सकते हैं, पॉलीएक्रामाइड जेल यूज़ कर सकते हैं, एग्रोज जेल यूज़ कर सकते हैं। इन कोई भी चीज़ों को यूज़ करके हम अपना कॉलम जनरेट कर सकते हैं। एक बार हमारा कॉलम जनरेट हो गया, स्टेशनरी फेज जनरेट हो गई, फिर हम उसमें अपने जो सैंपल है उसको और मोबाइल फेज को एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जितना ज़्यादा, मतलब जैसे हम लोग ने चीज़ देखी भी है पॉलीएक्रिलामाइड जेल में, जो हम लोग देखते हैं, तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल में आप जितना पॉलीएक्रिलामाइड मिलाओगे या एग्रोज जेल में आप जितना एग्रोज मिलाओगे, वो जेल उतना ज़्यादा डेंस बनेगा। जितना ज़्यादा जेल डेंस बनेगा, वहाँ पे जो पोर्स हैं, वहाँ पे जो पोर्स हैं वो उतने ज़्यादा छोटे होंगे। ठीक है, उतने ज़्यादा छोटे होंगे। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा डेंस जेल होगा, तो अब अगर जेल को आप ऐसे मान सकते हो कि इस तरीके से बीड से बना हुआ जेल, अब आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स डाल दिए पॉलीएक्रिलामाइड के, बहुत ज़्यादा आपने पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने एग्रोज यूज़ कर लिया, तो इस जेल्स के बीच में जो बीड्स हैं इनके इंटरबीडल स्पेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी अगर इसकी डेंसिटी बहुत बढ़ा देंगे आप। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन बीड्स में होते हैं पोर्स। ठीक है, तो अगर आप इनकी बहुत हाई कंसंट्रेशन रखेंगे तो इनके पोर्स बहुत छोटे हो जाएंगे, मॉलिक्यूल बड़े बड़े हो जाएंगे, एकदम एकदम पास पास ही इस तरीके से रहेंगे, तो इनके जो पोर्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, और हमें यहाँ पे पोर्स का बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, तो वो मतलब ये है कि आप जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि पॉलीएक्रिलामाइड जेल की हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो पोर साइज छोटा हो जाएगा हमारे पास, प्लस जो इंटरमीडियल स्पेस है वो बहुत कम हो जाएगा, और उससे सेपरेशन बहुत असर करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मॉलिकुलर साइज है वो मेजर प्रॉपर्टी है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, या जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये यूज़ करी जा सकती है सभी चीज़ों के लिए, प्रोटीन के लिए, पॉलीसेक्राइड के लिए, एंजाइम के लिए, सिंथेटिक पॉलीमर के लिए, और जैसे ही आपको यूजेज है वैसे आप इसके जो पोर साइज है उसको मेंटेन कर सकते हो कंसंट्रेशन को बढ़ा के या कम करके। ठीक है, तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी सबसे पहले 1955 में लेथ एंड रुथविन के द्वारा जो है डेवलप करी गई थी। तो अगर इसको हम देखने की कोशिश करें डायग्रामेटिकली, जो चीज़ में फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, होता क्या है कि इस तरीके की बीड्स होती हैं हमारे कॉलम में। अब इन बीड्स में होते हैं पोर, इन बीड्स में होते हैं पोर। तो अब आपको ये कहा जाए कि साइज एक्सप्लोजन की फोटोग्राफी है, तो जाहिर सी बात है साइज हमें पता होना चाहिए। अगर हमारे पास तीन सॉल्यूट्स हैं, ए बी एंड सी, ए है हमारे पास 100 किलो डाल्टन का, बी है हमारे पास 70 किलो डाल्टन का, और सी है हमारे पास 20 किलो डाल्टन का। तो अब होता क्या है, आपसे पूछा जाता है, ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है कि ये तीन आपके पास सॉल्यूट्स हैं, इनके जो इल्यूशन का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, कौन पहले इल्यूट होगा। तो आप ये सोचोगे कि यार ये सबसे छोटा है, ये सबसे तेजी से मोबाइल फेज में क्या होगा, इल्यूट होकर चला आएगा, जो बड़ा है उसे टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है उल्टी, और वही चीज़ कर जाती है दिक्कत। तो अभी क्या है, आपने सैंपल मिक्सर अपने लिया, इस सैंपल मिक्सर को आपने मोबाइल फेज के साथ यहाँ पे एंटर किया, तो जो पोर की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो आपके मॉलिकुलर बीड्स हैं इसमें पोर होते हैं, ये पोर क्या करते हैं,
जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, जो छोटे सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, वो इस पोर के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, वो इस पोर के अंदर एंटर कर जाते हैं और विद मतलब वाया पोर्स वो होते हुए निकल जाते हैं, एक पोर से इसके अंदर को से फिर दूसरे के, तीसरे के, चौथे के। ये देखिए जो पैकिंग है ये पोरस पैकिंग होती है और इस पोर्स के अंदर जाते हैं ऐसे, एक पोर से दूसरे पोर, दूसरे पोर से तीसरे पोर, और तब इसके अंदर से होते हुए नीचे की तरफ आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हायर मॉलिकुलर वेट वाले हमारे पास सॉल्यूट्स होते हैं, ये सॉल्यूट्स पोर के अंदर नहीं जा पाते क्योंकि पोर का साइज छोटा होता है इनके हिसाब से। तो ये आते हैं इंटरबीडल स्पेस से, ये जो दो मॉलिकुलर बीड्स के बीच का स्पेस है ये इसमें से बाहर निकल के आते हैं, और ये जैसे जैसे इंटरबीडल स्पेस से बाहर निकल के आते हैं तो मोबाइल फेज या हम ये कह रहे जो सॉल्वेंट है वो बाहर इंटरबीडल स्पेस में बहुत फास्ट फ्लो हो रहा है, तो ये फास्टली उस इंटरबीडल स्पेस के थ्रू सॉल्वेंट फेज के साथ बाहर निकल के आ जाते हैं पहले। तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस बताना चाहें तो सबसे पहले आएगा ए, सबसे पहले आएगा ए, ए के बाद आएगा बी और बी के बाद आएगा सी, क्योंकि सी आया है वाया पोर और ए आया है वाया जो हमारा क्या कहते हैं इंटर बीडल स्पेस है उसमें सॉल्वेंट फेज के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइज के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं जेल में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, यही क्वेश्चन इससे आता है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन इससे आता है और कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं पूछते, ये बहुत इजी है, यही चीज़ पूछी जाती है, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये यार छोटा है ये पहले आ जाएगा, बड़ा है ये धीमे धीमे आएगा, साइज एक्सक्लूजन का मतलब यही है, लेकिन साइज एक्सक्लूजन का मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है वो आपको पता चल गया होगा। दूसरे तरीके अगर हम लोग बात करें तो वो है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी मतलब एफिनिटी टर्म जो है उसका मतलब आप सभी लोगों को पता है, एक टेंडेंसी है या हम ये कह लें बाइंडिंग टेंडेंसी है एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के प्रति, मतलब एक मॉलिक्यूल अगर है तो वो दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या दोनों एक दूसरे से बाइंडिंग होने की, बाइंड होने की टेंडेंसी रखते हैं ए और बी, अगर रखते होंगे तो बाइंड होंगे, अगर नहीं रखते होंगे तो बाइंड नहीं होंगे। तो अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन मिक्सर है, उस सॉल्यूशन मिक्सर में हमको मान लीजिए चार तरीके के अलग अलग जो सॉल्यूट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब इन सॉल्यूट्स में से आपको एक सॉल्यूट ऐसा है जो आपके यूजेस का है या हम ये कह लें वो आपका सॉल्यूट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको उसे अलग करना है। अब आप जेल में जो मॉलिकुलर बीड्स हैं उस पे कोई ऐसी चीज़ लगा दो या उस पे कोई ऐसी चीज़ यूज़ करो जिसकी एफिनिटी हो एग्जैक्टली उस ही मॉलिकुलर उसी सॉल्यूट से जो आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो उसमें बाइंड रह जाएगा, किसमें आपके जो मॉलिकुलर बीड है उसके साथ, और बाकी के जो तीन सॉल्यूट्स होंगे, बाकी के जो तीन सॉल्यूट्स होंगे वो इल्यूट हो जाएंगे, बाकी के जो तीन सॉल्यूट्स होंगे वो इल्यूट हो जाएंगे। इसमें आप एंजाइम यूज कर सकते हो, इसमें आप कोई एक स्पेसिफिक एक्सटर्नल प्रोटीन यूज कर सकते हो लिंक करके, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है एंजाइम जो है वो स्पेसिफिकली एक सब्सट्रेट से बाइंड करता है। तो अगर जो आप प्रोटीन अलग करना चाह रहे हो किसी का सब्सट्रेट हो तो आप यहाँ पे एंजाइम लिंक कर सकते हो, अगर कोई एंजाइम अलग करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे सब्सट्रेट लिंक कर सकते हो, आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लिंक कर सकते हो मॉलिक्यूलर बीड के साथ में जो कि एफिनिटी शो करे उस स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए, उस स्पेसिफिक सॉल्यूट के लिए जो आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, और बाकी सब इल्यूट हो जाएंगे क्योंकि उनके अगेंस्ट हमारे पास एफिनिटी जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझना चाहें, और ये डिस्कवर करी थी हमारे पास पेड्रो कॉट्रिकेसस ने एंड मीर विल्चेक ने, ठीक है। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। आप ये देख रहे हो सर्कुलर, ग्रीन, रेक्टेंगुलर, मतलब सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगल, अलग अलग तरीके के हमको देखने को मिल रहे हैं मॉलिक्यूल्स अपने पास, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स को शो करने का तरीका है। तो और हमारे पास ये जो येलो येलो मॉलिक्यूलर बीड्स देखने को मिल रही हैं, इन मॉलिक्यूलर बीड्स को हमने टैग कर दिया है, इन मॉलिक्यूलर बीड्स को हमने टैग कर दिया है एक ऐसे मॉलिक्यूल के साथ। अब हो सकता है ये एंजाइम हो सकता है ये किसी का सब्सट्रेट हो सकता है, इनहिबिटर हो, ऐसे कंपाउंड के साथ, ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जो कि एफिनिटी शो करेगा स्पेसिफिकली हमारे कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो अब होगा क्या, मान लीजिए ये जो
ब्लू ट्राइंगल है ये हमारा कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है, सॉल्यूट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स की या सभी सॉल्यूट्स की एंट्री करवाई हमारे जो सॉल्वेंट था उसके साथ। एंट्री करवाने में क्या होगा, क्योंकि ये ब्लू ट्राइंगल वाला सॉल्यूट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, हमारे पास इसके एफिनिटी वाले जो मॉलिक्यूल्स थे वो हमने टैग करके रखे थे अपने बीड्स पे, तो सिर्फ स्पेसिफिकली यही मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा। किस पे बाइंड हो जाएगा, इन्हीं टैग्स पे बाइंड हो जाएगा और बाकी सारे के सारे सॉल्यूट्स इल्यूट आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब हमें वो मॉलिक्यूल चाहिए, जब बाकी सारे निकल गए, बाकी सभी निकल गए, तब हम क्या करेंगे, तब हम जो अपना, क्योंकि आपको पता है कि जो बाइंडिंग होती है पीएच मेडिएटेड होती है, यहाँ पे बाइंडिंग कोवेलेंट नहीं होगी, नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग होगी, तो हम पीएच चेंज करके, मतलब बफर दूसरा यूज करके, उस बफर की पीएच चेंज करके, सॉल्ट यूज करके इसको, यानी कि अपने जो हमारे पास, मतलब जो हमारे लिए टारगेट था, जो हमारा टारगेट सॉल्यूट था, उसको इल्यूट आउट करवा लेंगे जब हम चाहेंगे तब। ठीक है, जब हम चाहेंगे तब हम उसको इल्यूट आउट करवा लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप डिसॉल्टिंग कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे पीएच चेंज करके उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको जिसे एक्सट्रैक्ट करना था आपने उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाकी सभी सॉल्यूट को अलग करके एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की मदद से बड़े ही आसानी तरीके से। ओके, इसके साथ साथ हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। अभी तक क्या था कि आपको अगर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी करनी थी तो आपको अपने सॉल्यूट के अगेंस्ट स्पेसिफिकली एक ऐसा लिगेंड चाहिए था, एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए था जो कि उस सॉल्यूट के अगेंस्ट एफिनिटी शो करे, तब ये दोनों बाइंड होते। लेकिन अब आपको कहाँ पता कि हमारा सॉल्यूट जो है उसके लिए कौन सी एफिनिटी शो करेगा, कौन नहीं करेगा, करेगा भी तो कैसे कर रहा है, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जा रहा था। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की मदद से। मतलब अगर आपको ये पता हो कि जो आपका टारगेट सॉल्यूट है, जो आपका टारगेट सॉल्यूट है, उस टारगेट सॉल्यूट पर, उस टारगेट सॉल्यूट पर चार्ज कैसा है, ठीक है, उस टारगेट सॉल्यूट पर चार्ज कैसा है, तो उसका अपोजिट चार्ज आप बीड्स को देके, मॉलिकुलर बीड्स को देके इस टारगेट सॉल्यूट को वहां पे आप रोक सकते हो, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, या आप ये कह लें कि उनका मोशन सॉल्वेंट फेस के साथ स्लो कर सकते हो, जब वो हमारे निकलेंगे स्टेशनरी फेस के साथ तो वहां पे उनका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको टारगेट सॉल्यूट का चार्ज पता है तो आप अपोजिट चार्ज की बीड्स यूज कर सकते हो। ठीक है, अपोजिट चार्ज की मॉलिक्यूलर बीड्स यूज कर सकते हो, और ये जो अपोजिट चार्ज होते हैं बीड्स पर, जो अपोजिट चार्ज बीड्स को देते हैं उनको हम कहते हैं एक्सचेंजर्स। ठीक है, उनको हम कहते हैं एक्सचेंजर्स। अब ये एक्सचेंजर्स दो तरीके के हो सकते हैं, कैटाइनिक एक्सचेंजर और एनाइनिक एक्सचेंजर, कैटाइनिक एक्सचेंजर और एनाइनिक एक्सचेंजर। अब ये कैटाइनिक क्या होते हैं, कैटाइनिक एक्सचेंजर क्या होते हैं, ये निगेटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं, क्योंकि ये अपनी तरफ पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अपनी तरफ पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन को अट्रैक्ट करते हैं, इनको हम एसिडिक आयन एक्सचेंज मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका नेगेटिव चार्ज क्या करता है, आयनाइजेशन करवाता है, मतलब इनका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एसिडिक ग्रुप के आयनाइजेशन से हमको देखने को मिलता है, तो इसीलिए इनको हम एसिडिक आयन एक्सचेंज मटेरियल भी कहते हैं। ये नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं कहाँ, मॉलिकुलर बीड्स पे। अब कोई अपने मिक्सचर डाला, उस मिक्सचर में एक टारगेट सॉल्यूट ऐसा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उसको बाइंड करके रखेंगे, और बाकी सभी जो सॉल्यूट में मिक्सचर्स होंगे या उस मिक्सचर में सॉल्यूट्स होंगे वो सब इल्यूट आउट हो जाएंगे, क्योंकि उन पर अलग अलग चार्जेस होगा या उनके चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम होगी इससे। ऐसे ही हम यूज करते हैं एनाइनिक एक्सचेंजर्स। एनाइनिक एक्सचेंजर आपको पता है इसका जस्ट अपोजिट होगा क्या, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स हैं जो कि एनायंस को अपनी तरफ, जो नेगेटिवली चार्ज एनायंस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इनको अट्रैक्ट करने के साथ साथ इनको हम बेसिक आयन एक्सचेंज मटेरियल भी बोलते हैं। तो इनको हम देखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से हमारा मिक्सचर है जिसमें यहाँ पे जो हमारी बीड्स हैं उनको हमने नेगेटिव चार्ज दे रखा है। ठीक है, उनको हमने नेगेटिव चार्ज दे रखा है, यानी कि यहाँ पे कौन से हैं, कैटायन एक्सचेंजर हमने यूज किया है, और
हमने अपना सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे एंटर किया, सॉल्यूशन मिक्सचर एंटर किया, सॉल्वेंट फेज हमने उसके बाद डालना शुरू किया, या सॉल्वेंट जो हमारा जो है उसको हमने यूज करना शुरू किया, और सॉल्वेंट के थ्रू ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ रन करना शुरू किए। अब वो कह रहा है जिन मॉलिक्यूल्स पे हाई नेगेटिव चार्ज होगा, जिन सॉल्यूट्स पे हाई नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे पहले बाहर आएंगे, जिन पे थोड़ा लो या नेट नेगेटिव चार्ज होगा वो उसके बाद बाहर आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेट नेगेटिव चार्ज वाले बाहर आ गए, उसके बाद जिन पे नेट पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि लो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बाहर आएंगे। ठीक, और उसके बाद जिस पे हाई पॉजिटिव, ठीक है, या लार्ज पॉजिटिव नेट चार्ज होगा वो बाहर आएंगे। तो आप इसमें से किसी कैटेगरी में भी अपना जो क्या कहते हैं सॉल्यूट है, टारगेट सॉल्यूट है, उसको रख सकते हो। लार्ज पॉजिटिव चार्ज वाले बाद में बाहर निकल के आएंगे, तो आप इनको मतलब अपने सॉल्यूट्स को इस बेसिस पे अलग अलग कलेक्ट कर सकते हो अलग अलग ट्यूब्स में। तो यही तो हमें करना था, हमें सेपरेट ही तो करना था क्रोमेटोग्राफी में, और हम कर कह रहे थे तो हम इसको अलग अलग तरीके से सेपरेट आउट कर लिया। आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को अटैक करेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव को करेगा, इसीलिए नेट पॉजिटिव चार्ज वाले हाई पॉजिटिव चार्ज से पहले आ रहे हैं और लो नेगेटिव चार्ज वाले हाई पॉजिटिव जो नेट पॉजिटिव है उससे पहले आ रहे हैं। तो इस तरीके का हमको एक्सट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ज़रूर से डिस्कस करिए हम लोगों के साथ, डिस्कशन सेशन आपको मिलते हैं पूरे करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं किया है, कोई भी दिक्कत होती है ज्वाइनिंग में तो ज़रूर से आप मेल कर दीजिए, इन मेल आईडीज़ पे, इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप मतलब जा सकते हैं, वरना gurumantraacademy.com वेबसाइट विजिट करिए, आप वहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो आप जैसा भी आपको लगता है, मेन ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग हैं। ओके, थैंक यू सो मच।